फीचर आपको लगता है सॉफ्टवेयर वाइज भी और बॉडी हार्डवेयर वाइज भी, कि जो क्या मिसिंग आपको है लगता है इसमें? कि ये प्राइस तो अभी जस्टिफाइड है? फिर से अगर आपको कोई ईवी आप स्कूटर लेना है तो कितना साल, सालों तक रखने का प्लान है? देखिए, ख्याल आया कि आपने ईवी कार भी देखनी चाहिए, या फिर पिछले 3 सालों में आपने कोई कार खरीदी हो? सर मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले ही गाड़ी कार खरीदा। उस ओके गाड़ी चलाने के बाद में एक चीज एक्सपीरियंस हो गया कि हर कंपनी इतनी रिलायबल नहीं है या इतना ओरिजिनल नहीं देती जो वो बोलती है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है? आउट ऑफ 10 आप कितना दोगे रेटिंग बहुत एथर साल को? हो रखने की वजह से जो इश्यूज आते हैं स्कूटर में या फिर सजेस्ट कार में? करूंगा सर कि जितना हो सके उतना कम सर्विस दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि एथर ने कहाँ पे इम्प्रूव करना ये चाहिए? बाद हुला के आग लगने के बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ उन्होंने कुछ काम किया आपने है कोई टेस्ट ड्राइव लिया है रिसेंट? रिसेंटली। मुझे तो कोई स्कूटर खरीदनी हो ईवी की, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? ईवी बोलना अच्छा बात है, पर सर आप चलाते ही नहीं इतनी हो। अगर अगर गाड़ी आपकी गाड़ी का बैटरी का इश्यू आ गया तो यू हैव टू पे 67,000 रुपीज। टोटल खर्चा कितना फाइनली होगा? आप आप क्या मैसेज ढूंढे देना स्विगी वाला चाहोगे? बंदा मेरी गाड़ी के अंदर और कौन इसी थी। के साथ कौन सा ऐसा फीचर आपको लगता है सॉफ्टवेयर वाइज भी और बॉडी हार्डवेयर वाइज भी, कि जो मिसिंग है इसमें, जो होना चाहिए था इसमें? सर लेडीज गार्ड या फिर अगर लेडीज फुटरेस्ट आप बोल रहे आपकी, हो जो? हाँ वो लेडीज फुटरेस्ट वो नहीं अच्छा है, क्योंकि क्या होते हैं ना इन अदर कंट्रीज का तुम बता नहीं, पर हमारे घर में क्या है साड़ियाँ वाड़ियाँ लोग पहनते तो दे कांट सिट लाइक दैट, राइट राइट तो राइट उनको एक साइड में फुटरेस्ट चाहिए, तो वो आधा फुटरेस्ट पे आधे ये उनका जो पैंडल है उस पे हाफ एक पाँव तो रख सकते हैं पर दूसरा पाँव नहीं रख सकते। राइट 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 और सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको क्या लगता है कि क्या चीज चाहिए थी इसमें? अरे सर मेरे पास वो नहीं है, वो बोला ना कि एयर ट्रा एयर प्रोसेसर प्रेशर मॉनिटर ओके ओके टीपीएमएस नहीं आपके पास, वो चाहिए था उसमें, कंपलसरी चाहिए था मतलब हर वो एक गाड़ी के बहुत लिए? सर वो चाहिए चाहिए। अगर आप कभी भी मतलब देखिए आप पेट्रोल गाड़ी को कोई भी प्लान किए बिना निकाल सकते हो यूज कर सकते हो, और राइट अगर पर मैंने जो एनालाइज किया है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है यू हैव टू एनालाइज कि आपको कितने किलोमीटर जाना है कितने किलोमीटर वापस आना है। आपके पास जो भी बैटरी है उसका अराउंड 20% या 25% हमेशा सर्ज होना चाहिए। होना अगर आप चाहिए। 50 किलोमीटर की रेंज जर्नी कर रहे हो तो 70 किलोमीटर्स का एटलीस्ट आपको 75 किलोमीटर्स की चार्जिंग होनी है, क्योंकि क्या होता है कि ट्रैफिक बाउंसर्स बहुत सारी चीजें होती है जो गाड़ी की रेंज को कम कर देती है। राइट हर जगह एक जैसा नहीं होता। मेन क्या होता है कि जब आप गाड़ी को कभी सपोज कीजिए 20 किलोमीटर्स में लेके जा रहे हो और रास्ते में मालूम पड़े कि ये गाड़ी में मतलब रोड में ब्लॉकेज है तो आपको 25 किलोमीटर्स का कब 10 किलोमीटर का कब लंबा सर्च लग जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि राइट राइट वो बात तो है एक्चुअली। तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है और मैप में तो दिखाते हैं भाई इधर से चले जाओ पर बाद में पता चल रहा है कि जाएंगे कैसे, राइट 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 वो बहुत भी है। घूमना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने मेंशन किया था कि आपने एथर का ग्रिड भी यूज किया है, तो वो आपने कितना यूज किया है, या फिर उसके लिए आपने कितना पे किया था अभी तक? एथर ग्रिड मैंने ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि मेरा 90% काम मेरा ऑफिस में जो चार्जर लगा रखा है वो उससे हो अच्छा जाता है, पर इन जनरल है अभी काफी मतलब अगर आपको इमिडिएटली चार्ज करना है तो हो जाता जो स्कूटर का प्राइस है राइट, अभी तो मतलब आपने जब लिया था तब आपको है। वन तकरीबन फिफ्टी फाइव 1 राइट, तो मेरे क्या आपको लगता है कि ये प्राइस जस्टिफाइड है? नहीं प्राइस ओके इज गोइंग वेरी फायर, तो और कितना? इसके अंदर 55,000 का सब्सक्रिप्शन भी है, ये ध्यान रखना गवर्नमेंट से वापस रिटर्न मिलता है, राइट 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 मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो 2,10,000। राइट 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 यस। तो लेट से अगर आप यहाँ पे मतलब अभी फिर से अगर आपको कोई ईवी स्कूटर लेना है तो आप मतलब क्या करोगे? आप एथर पे जाओगे या फिर कोई और स्कूटर मैंने आपके ओला दिमाग? भी चेक किया अभी ओके मेरा एक्चुअल में देखूँ ना तो मैंने जो रिव्यूज और जो मैंने उसकी एक और गाड़ी देखी है मैंने अभी सिंपली एनर्जी की अच्छा सिंपल वन। वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है पापा ओके एनर्जी बना देते हैं। सिंपल वन का भी गाड़ी बहुत अच्छा है। अच्छा मेरे दो दोस्तों को मैंने बुक करवा के रखा है। अच्छा ही इज वेटिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, लास्ट ईयर अच्छा 20 अगस्त को उन्होंने बुकिंग किया। राइट 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 तो आप बोल रहे हो कि आप अदर ऑप्शंस भी देखोगे अगर आज आपको लेना हो कोई ईवी तो? हाँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना जो मेरे दोस्त लोग हैं वो भी मेरे ही फील्ड के हैं ना, राइट तो दे आर लुकिंग अराउंड एक्चुअल
एटलीस्ट 60 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर का रेंज जाने के लिए चाहिए उनको। राइट राइट राइट। बैंगलोर में कोई भी जगह जाते हैं तो 50-60 किलोमीटर इज अ बेसिक जाना। राइट। अगर हमको एयरपोर्ट भी जाना है तो अराउंड 50 किलोमीटर जाना पड़ता है एयरपोर्ट। राइट राइट राइट। और फिर मतलब आपका कितना सालों तक रखने का प्लान है इसे स्कूटर को? सर सच्ची बताऊं ना, हाँ मैं इसके ऊपर 1 रुपया भी खर्चा करने वाला नहीं। अच्छा ओके। जब तक चल रहा है तब तक आप चलाओगे, उसके बाद में उठा के इसको स्क्रैप कर देना। अच्छा फ्रैंकली राइट, मेरा कैलकुलेटेड मूव है कि मेरा पैसा वसूल हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो मेरे को बेनिफिट्स है। जैसे ये कंप्लीट होगा, मतलब कुछ बड़ा एक्सपेंसेस आया, आई एम नॉट सेइंग फॉर द 5-10,000 रुपीज, अगर जैसे 50,000 या 20,000-30,000 का एक्सपेंस हुआ, आई विल डिस्कार्ड इट। ओके तो सर मेरा कैलकुलेट, क्योंकि हमारा जो था कि 3 साल सब्सक्रिप्शन के साथ पूरी वारंटी के साथ, मेरे को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनका वारंटी 30,000 में ओवर हो रहा है। Right. वो ये चीज बता देते पहले तो मेरे को एक बार रीचिंग करना पड़ता, क्योंकि मेरा ईयरली लमसम 20-22,000 हमारा गाड़ी चलता है। राइट राइट राइट। बिकॉज़ ऑफ बीच में लॉकडाउन्स और ये वो, मतलब मेरा 10,000 किलोमीटर कम चला है गाड़ी। राइट राइट राइट। ओके तो आपको आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि आपने ईवी कार भी देखनी चाहिए, या फिर पिछले 3 सालों में आपने कोई कार खरीदी हो? सर मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले ही गाड़ी कार खरीदा। ओके तो वो ईवी है या फिर वो नॉन ईवी है? मैंने कार भी नहीं, मैंने नेक्सॉन खरीदा डीजल। ओके ओके, क्या रीजन एक्चुअली? ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्चुअली होगा सुनने के लिए। आप दोनों चीज में डिफरेंस देखिए सर, अगर आपको कार लेके जाना है कहीं पे भी, बैंगलोर में तो चलाना नहीं है मेरे को, गिरिना सिटी बाहर चलाना है, और बाहर चलाने के लिए कम से कम मेरे को 400 किलोमीटर जाना आना चाहिए। और मेरे को ये गाड़ी चलाने के बाद में एक चीज एक्सपीरियंस हो गया कि हर कंपनी इतनी रिलायबल नहीं है या इतना ओरिजिनल नहीं देती जो वो बोलती है। ओके राइट। हर कंपनी मतलब आप जस्टिफाई, मैंने रिव्यूज भी पढ़े हैं कि नेक्सॉन गिव्स अराउंड 180-200 किलोमीटर का रेंज, तो मेरा जाने का ही नहीं होगा, वापस आऊंगा क्या 2 दिन बाद में? राइट। कहीं सपोज कीजिए मेरे को बैंगलोर से मैसूर जाना है तो अराउंड 200 किलोमीटर का केवल डाउन जर्नी है, अप जर्नी वापस अगेन नीड, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। राइट। कोई भी गाड़ी आए जो 800 किलोमीटर से अबाउ जाएगा तब यू कैन थिंक इट आउट। राइट। तो अभी अगर आपको विद इन अ सिटी चलाना है तो अलग बात है कि 200 किलोमीटर या 220 किलोमीटर इज ओके। राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, आउट ऑफ 10 आप कितना दोगे रेटिंग एथर को? 6.5-7। ओके। नहीं वो सर्विसिंग में नहीं हो, क्वालिटी में नहीं हो, या फिर मैं बताता हूं सर, 3 जगह प्रॉब्लम। ओके। इनके जो सेल्स मैनेज, मैंने एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज नहीं किया। ओके। इनके एथर स्पेस करके सबसे पहले बेंगलोर में ही इनका शोरूम आया तो वहीं पे बुक किया। ओके। जाके मैंने रियल टेस्ट ड्राइव लिया, उसके बाद में बुक किया। ये 20 है। एक और है। और दूसरा इनके उस टाइम जो सेल्समैन है उनको नॉलेज में नहीं था कि क्या इसकी पूरी डिटेल्स हैं। आप किसी भी सेल्समैन के पास जाएंगे तो वो अपना माल चुकाने के चक्कर में रहता है। राइट। कहीं पे भी टेक्निकल टीम या सेल्स टीम जो कॉल बैक सेंटर है, कॉल सेंटर, उनके पास पहले अपडेट नहीं आता, जो मेल आता था उसके 2-3 दिन बाद में उनको अपडेट मिलता। मैंने कई बार नोटिस किया, कई जगह पे नोटिस किया कि अगर कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई नई चीज आ रही है तो उनको मालूम ही नहीं है कि सर हमको मालूम नहीं है, आप info@iter.com पे मेल डालिए। अच्छा ओके। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था। और तीसरा सर्विस इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं सर, मैं रियल में बता रहा हूँ, मेरे को जितना साकेत सोएब जितने भी लोगों से बात हुआ, दे आर वेरी वेल फ्रेंडली। इवन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मैकेनिक से बात कर रहा हूँ। ओके राइट। उनके जितने भी आदमी है सब ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेल प्रोफेशनली टेक्निकली इंजीनियर, क्योंकि जो ये गाड़ी है वो वैसी नहीं है कि जैसे आपका एक होता है ना कि आप रोड साइड गैरेज पे जाते हैं कि भाई जो ये आपको उनके हिसाब से बात करना। राइट। फ्रॉम द नॉर्मल
नॉर्मल जो टेक्निकली टीम होती है बहुत कुछ जानते हैं, और सब जगह थोड़े बहुत अकवर्ड लोग होते हैं। मैं ये नहीं राइट जान कहता कि हर जगह एक जैसे लोग होंगे, हर जगह अकवर्ड लोग भी होंगे, और दे ट्राइंग टू मेक देयर मनी फॉर मनी, राइट ये हर जगह होता है। पर थोड़ा सावधानी आपको रखना जरूरी है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, दे वॉन्ट गिव यू द फुल सपोर्ट अगर 50 रुपये उनके पॉकेट में नहीं जाए। राइट 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 तो इसके अलावा कौन से एक्सेसरीज आपने फिट करवाए थे? क्योंकि आपको थर्ड पार्टी एक्सेसरीज ही खरीदने पड़े होंगे, कंपनी की तरफ नहीं से नहीं तो उस अभी कुछ टाइम पे ऑफर कोई भी है। थर्ड पार्टी एक्सेसरीज नहीं अच्छा ओके, तो फिर थी। और मैंने बताया ना आपको, मेरा थर्ड डे या सेकंड डे ही एक्सीडेंट हो गया। 7 तारीख को लेके आए, 8 तारीख राइट को गाड़ी भिड़ा दिया। हमारा उस टाइम भी करीब करीब 10 दिन का टाइम खत्म हो गया। मतलब 10 तारीख को लाने के बाद में 20 तारीख तक वहीं पे थे सर्विस सेंटर में, क्योंकि राइट 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 वहाँ उन्होंने ही मेरा हेल्प किया। वो क्या बोलते हैं ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम करने वगैरह। में सब कुछ उनके लिए भी शायद मेरे ख्याल से नया नया था। और मैंने और एक चीज मैंने देखा है, वो लोग बहुत महंगा इंश्योरेंस बेचते हैं। अगर वही चीज सेम कंपनी से मैंने नेक्स्ट ईयर लिया, 1/3 ऑफ द कॉस्ट। ओ ओके अच्छा मतलब मैंने जहाँ 6,500-7,000 रुपये फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस के लिए, वही मैंने 2,200 रुपये दिए थे सेकंड टाइम। सेकंड टाइम अगर मैं पे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी देखता हूँ तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 500-550 रुपये का। तो अच्छा ओके मेरे को ऐसा लगा कि जो बीच में भी रेडिएशन है उसमें भी मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का फटका पड़ा। तो राइट। तो जैसे ही कोई स्कूटर या फिर गाड़ी हम लोग बहुत सालों तक रखते हैं ना, तो कई बार उसमें ऐसे भी इश्यूज आते हैं जो हमको पता नहीं होते। लेट्स से कि उसका बेल्ट कुछ खराब हो गया है, या फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको ऐसे कुछ बॉडी में या फिर कुछ जो बोलते हैं ना कि बहुत साल रखने की वजह से जो इश्यूज आते हैं स्कूटर में या फिर कार में, उस टाइप के कुछ इश्यूज आपको आए हैं उसमें? मतलब जैसे पैनल का कोई नहीं, कलर कभी भी उड़ गया आपके, या फिर कहीं पे आपको थोड़ा सा रस्ट आ गया किस जगह पे, ऐसा कुछ? तीन चीज हाँ देखिए सर। कलर लगभग वो मैंने बताया था आपको, साइड के फ्रेम से, ग्लासेस राइट, से, और ये जो आगे का जो डैशबोर्ड है। क्या बोलते हैं उसको, डैशबोर्ड के ऊपर के साइड के जो थे वो हाँ बहुत, हाँ मतलब बहुत ऐसे समझ लीजिए कचकड़े जैसे, मतलब होता है ना, इट्स नॉट अ गुड लुक। प्लास्टिक ओके और सर हाँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा सर कि जितना हो सके उतना कम सर्विस को दीजिएगा। ओके ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी बार खुलवाओगे गाड़ी को, वापस पैक कराओगे, आपके स्क्रूज के जो सॉकेट होते हैं वो लूज हो जाएंगे पूरे। राइट क्योंकि वो बोलते हैं 5,000 में दीजिए, मैंने पर समझ में आया, लास्ट मैंने 35,000-38,000 में चेंज करवाया, सर्विस करवाया था। उसके बाद में अपटू 50,000 मैंने एक बार भी सर्विस नहीं करवाया। अच्छा 12,000 किलोमीटर चलाया, एक सर्विस सिंगल सर्विस नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके मस्त चल रही है। कोई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इस बार दिया तो फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, और राइट राइट इस राइट बार सारा पॉकेट से लगने वाला है। देना ही नहीं है। राइट 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 क्योंकि तो आपको मतलब गाड़ी क्या? हाँ बोलिए। चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चलना है, कोई इशू नहीं राइट है। राइट तो आपको क्या लगता है कि एथर ने कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए? एथर को एक तो सर, एटलीस्ट अपना जो भी कस्टमर को है उसको बोलिए जब भी लेता है कि भाई 30,000 का ही वारंटी है एंड 3 ईयर वारंटी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप गाड़ी देखिए सर, एक तो है कि आप पेट्रोल गाड़ी को 6 महीने रख के उसके बाद में किक मारिए चालू हो जाएगा, राइट पर अगर आपने 6 महीने या 1 साल गाड़ी नहीं चलाया, खत्म। क्योंकि खत्म है राइट उसकी बैटरी एक बार कहीं पे स्टक हो जाए तो जैसे मोबाइल में होता है वो ड्रेन हो जाती है, डिग्रेड ऑटोमेटिकली हो जाती है। राइट और एक क्वेश्चन था आपका आरएसए के, मैंने हाँ एक बार राइट लिया है राइट आरएसए, हाँ ओके रोड साइड असिस्टेंस एक बार लिया, जब मेरा गाड़ी का शायद नीचे का फैन होता है जो कूलिंग फैन है, इनकी कूलिंग की बहुत अच्छी चीज है, इसके कारण थोड़ी आवाज ऑकवर्ड रहती है, पर इट्स ऑसम थिंग जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया। वो 3-4 फैन अलग अलग जगह ऐसे ऐसे जगह पर डाल रखा है कि नॉइस क्रिएट करता है पर
मुझे हुला के आग लगने के बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ उन्होंने कुछ काम किया है इसके ऊपर बहुत पहले से, कि राइट राइट भाई उन्होंने जहां जहां गर्मी हो सकती है वहां वहां उन्होंने फैन डाल के छोड़ा है। मतलब जैसे होता है कि आप जितना स्पीड जाएंगे वो ऑटोमेटिक फैन उतना जोर से रोटेट करेगा, राइट तो आपको थोड़ा लगेगा भाई, पर वो एक प्रकार से सेफ्टी है। वो अच्छा मेरे को बाद में पता चला कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भाई फैन डाले हर जगह, जहां पे भी उनको लगा कि गर्म होने के चांसेस है। तो वो एक बार मेरे साथ हुआ कि उनका फैन कुछ खराब होके अटक गया कहीं पे, तो वो तेरी मेरी गाड़ी मूव नहीं कर रही थी, तो हर बार उनको अच्छा कॉल किया, 1 घंटा उनका आ रहा है समय चेंज करवाने का, अच्छा तो मतलब दिक्कत आप नहीं है, कोई राइट चार्ज नहीं लगा। इसके बाद आपने कोई टेस्ट ड्राइव लिया है रिसेंटली, अभी ओला का हो या फिर सिंपल वन का हो या फिर किसी और स्कूटर का, लिया और जो आपको लिया बेटर सबका बेटर लगता है लिया, इससे? नहीं सर ओला का नहीं लगा मुझे, 100% वो फील नहीं आया जो मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। अच्छा ओके सिंपल एनर्जी का चेक किया मेरे दोस्तों के साथ जिन्होंने बुक किया उनके साथ, तो दे आर वेरी वेल, उन्होंने मेरी भी गाड़ी चलाई हुई है तो उनको लगा कि अच्छा चलेगा गाड़ी। पर अभी क्या है, उनका फाइनल रेंज आउटपुट नहीं आया सिंपल वन का, तो हाँ हम लोग ज्यादा गाड़ी पे नहीं है फोकस, ओकिनावा पे हमारा एकदम भी फोकस नहीं है, क्योंकि उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसकी बॉडी भी ऐसी है हमको हमारे काम के लिए नहीं है, क्योंकि राइट हम लोग दो दो लोग बैठते हैं और उनकी बॉडी में इतना दम नहीं लग रहा कि सिर्फ हम स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि वो उतना कैपेसिटी हमारा ड्राइव कर सके, या और उस पर कुछ मीटर नहीं है वो कि एग्जैक्टली कितना किलोमीटर चलेगा गाड़ी राइट उनका। ठीक है वो पॉइंट्स दिखाते हैं जैसे हमारे मोबाइल में पॉइंट्स दिखाते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स बाकी है, पर दैट मेक्स क्या होता है कि अगर आप कहीं पर जाते हो आपको मालूम है कि इतने किलोमीटर चलने चाहिए और अप्रोक्सीमेटली चलेगी गाड़ी, तो बहुत डिफरेंट होता है कि अगर आपका प्रॉमिस रेंज पे पहुँचती है। तो हमको कई बार क्या होता है कि ये रेंज के चक्कर में हम लोग दूर नहीं जाते, या पता नहीं कि गाड़ी कहीं बंद हो गई तो क्या होगा। अच्छा और लेट से तो अगर अभी लेट से मुझे कोई स्कूटर खरीदनी हो ईवी की, तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि कितने रुपए तक मैंने खर्चा करना चाहिए उसके ऊपर, और दूसरी बात ये कि कौन से ऑप्शंस मैंने कंसिडर करने चाहिए? दो चीज है आपने ही सब चीज पूछ लिया हाँ बता दिया है। देखिए एक तो आपका बजट क्या है, अगर आपका बजट 2 लाख तक है तो, और दूसरा आपका रेंज क्या है, मतलब अगर आपको एक तो देखिए से कोई भी ईवी लीजिए विद इन अ सिटी इज अ वेरी गुड, ओके okay. पर आपकी सिटी कितनी बड़ी है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिफाइन करता है। जैसे आपका पूना है कितने रेडियस में फैला हुआ है, पूना अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, 60 में फैला हुआ है, तो उस हिसाब से आपको पहले कंपैरिजन करना है। क्योंकि देखिए कभी भी आप एक कॉर्नर में हो सिटी के और दूसरे कॉर्नर में जाके वापस आना है तो आपको पूरा रेडियस घूमना है। मतलब अब सपोज कीजिए आप सेंटर में बैठे हो 30 किलोमीटर्स के, हमारी जैसे बेंगलोर सिटी है टोटल 50 लेफ्ट 50 राइट 50 अप 50 डाउन, मतलब 200 किलोमीटर्स के रेडियस में फैला हुआ है, राइट तो हमको मिनिमम अराउंड 150 किलोमीटर्स का रेंज चाहिए कोई भी गाड़ी में। मैं चला अराउंड, पर ये अलग बात है अगर मुझे अगर कोई बोले कि मैं कूर्मंगला में रहता हूँ और मुझे अगर कोई बोले पीनिया जाके आना है तो मैं मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वहां तक जाना नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा जा तो सकता हूँ वापस आ नहीं सकता हूँ, तो इट्स मेक मी अ ट्रबल। राइट और तो वहां पे हम लोगों को दूसरी के ऑप्शंस चेक करने पड़, तो वो आपका है कि आपकी रेंज मतलब आपकी सिटी कौन सी है उसके हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। ओके राइट तो अभी और आपका दूसरा चीज है अगर आप डेली 20 किलोमीटर अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं तो आपको ईवी नहीं लेनी चाहिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि ओके इट्स मेक यू मोर कॉस्टलियर देन द पेट्रोल गाड़ी। राइट 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 तो जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि तकरीबन एक हम लोग पकड़ सकते हैं कि बैटरी का लाइफ एक 5 6 साल तक ही होगा मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। उसके बाद शायद और इशू आ जाए और शायद वो ईवी जो है वो यूजेबल ना रहे हमारी। तो जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तब हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि उसका कॉस्ट हमें 3 से 4 साल में निकल के आना चाहिए वापस, राइट? करेक्ट, ये सबसे हंड्रेड बड़ा परसेंट फॉर्मूला होना चाहिए इसके पीछे का। 100%। हाँ अगर आपका गाड़ी मंथली एक्सपेंसेस 2,000 रुपये है या 1,500 रुपये है तो इट्स अ वंडरफुल थिंग्स कि आपको एथर ले लेना चाहिए, क्योंकि ओके अगर आप इतना खर्चा बचा रहे हो तभी फायदा है, नहीं तो क्या है कि यू आर पेइंग मोर देन योर पेट्रोल डीजल।
ईवी बोलना अच्छा बात है, पर सर आप चलाते ही नहीं हो गाड़ी। अगर जैसे मैंने कई लोगों को देखा ईवी के नाम पे लिया है, देख सुबह 2 किलोमीटर दूर अपनी ऑफिस में जाते हैं गाड़ी लेके, वहां पे खड़ी कर देते हैं, शाम को 2 किलोमीटर लेके घर पे आ जाते हैं, दैट्स ऑल, उनका ईवी खत्म। उससे अच्छा तो पेट्रोल का गाड़ी ले जाओ यार भाई, एटलीस्ट आप 1.5 लाख। और क्योंकि क्या होता है ना, अगर 3 साल बाद में अगर आपकी गाड़ी का बैटरी का इश्यू आ गया तो यू हैव टू पे 67,000 रुपीज फॉर दैट। ओके राइट बैटरी इज नॉट अ चीप सॉल्यूशन, राइट और राइट बैटरी का राइट प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। राइट। तो पर आपने ये जो अभी, लोग 1.5 लाख, हाँ 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 बोलिए, नहीं नहीं बोलिए, 1.5 लाख वो इम्पोर्टेंट है। जो 1.5 लाख का मोबाइल लेके ऐसे ही फेंक सकते हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, कोई भी ईवी लीजिए, कोई भी चीज। राइट मैंने यहाँ राइट पे देखे बहुत लोग ऐसे ही होते हैं। राइट। तो और एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, मतलब आपने खरीदी कितने में, इतने साल उसको मेंटेन करने में, उसके चार्जिंग में आपका कितना खर्चा हुआ है तकरीबन? मैंने बताया ना, लगभग 48-49,000 रुपीज तक का खर्चा आया मेरे। अच्छा ओके, तो तकरीबन आपको ये गई है 1.60-1.70 के आसपास आपका ओवरऑल अब तक का एक्सपेंस है उसकी प्राइस पकड़ के। ठीक हाँ, है मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, टायर्स, इंश्योरेंस, और मैंने सब्सक्रिप्शन जो ले रखे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो भी है मतलब, और राइट मैंने वो ऊपर से एडिशनल कितना पे किया। क्योंकि राइट क्या होता है, कई बार आपको किसी महीने में आपको 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे। और राइट। तो फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहोगे सारे लोग, मतलब ईवी ओनर्स जो फ्यूचर में लेने वाले उनको, क्योंकि क्या है ना अभी बहुत ही बहुत अलग अलग कैंपेन है। जैसे कि ईवी कंपनीज बोलती है कि नहीं आप जो कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए है, अब यूजर के परस्पेक्टिव से ये होता है कि थोड़ा कॉस्टली होता है ईवी, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते कि क्या करना चाहिए आज की तारीख में। तो आप उनको क्या मैसेज दोगे ओवरऑल? सर, पहले तो ये है कि अगर आपका डेली का कम्यूट चेक कीजिए, कितना किलोमीटर चलाते हैं। अगर महीने में आप 500-600 किलोमीटर नहीं चलाते हैं तो ईवी मत लीजिए। पहले बता देता हूँ कि क्या क्या ईवी क्यों लेना चाहिए वो बाद में। अगर आप 500-600 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाते हैं मंथली, ओवरऑल 600 किलोमीटर, तो आप ईवी मत लीजिए। क्योंकि आपकी बैटरी, एक तो आपका क्या मैं बता रहा था कि आपका 600 कम्यूट नहीं रहता तो आप गाड़ी मत लीजिए। और अगर आपके घर से अगर मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं, तो अगर आप कैलकुलेटिव मूव नहीं यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी लेके जाना इट्स अ वेरी रिस्की पार्ट। क्योंकि राइट आपका अगर मालूम नहीं है कि आपको कितना कम्यूट करना है, जस्ट ब्लाइंड शॉट पे जा रहे हैं। और अगर आपका बैंक मतलब सपोज कीजिए आप पुणे में अराउंड 200 रेडियस में, या फिर मेरे ख्याल से पुणे का कितना है, 100 किलोमीटर का रेडियस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ रहेगा उतना। अगर आप मतलब 25 25 25 25 चारों साइड से घूमेंगे तो 200, तो मतलब आपका 100 100 किलोमीटर का रेडियस है। और अगर आपका मालूम नहीं है कि कहीं पे जा रहे हैं और वापस आते वक्त आपका चार्जिंग सेक्शन नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसका पानी में कैसे चलाओ, कितनी भी बारिश में चलाओ, कितना भी ऊपर तक मज़ा आता है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी बंद हो जाएगी। राइट लोगों को एक सबसे बड़ा डर रहता है कि यार बारिश आ रही है, गाड़ी को ईवी गाड़ी है साइड में लगा दो। मैं तो राइट टेंशन ही नहीं लेता, कितना राइट भी गाय बारिश हो, मतलब मेरे घोड़े तक पानी आ जाए ना तो भी गाड़ी एकदम गोली की तरह निकल जाती है। निकल जाती है राइट वो एक होता है ना कि भाई बैटरी में पानी घुस जाएगा, मोटर में घुस जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी घुस जाओ मत फाड़ के निकल जाती है। मतलब दूसरी वाली गाड़ी तो फिर भी वो मतलब चीरने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप इसका स्पीड मोड करके पानी में से मतलब चारों साइड से खिंडा के निकल जाएगी वो गाड़ी। निकल पावर बहुत है इसमें, फर्स्ट जनरेशन है, पर इट्स अ वेरी वेल डिजाइन, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है और उसका डिजाइन तो प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ, अगर आप एक बार जोर से एक्सीलेटर दे रहे हैं तो वो भी है इशू कि बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी खिंच जाएगा। ऑलराइट ठीक है और अगर आप बैटरी जो चला रहा है वो उसको ध्यान रखना है कि भाई एक्सीलेटर देना नहीं है, एक्सीलेटर केवल हैंडल यूज करने के लिए, जोर से राइट दिया तो खत्म हो जाएगा बैटरी। राइट क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, लोग ईवी लेके आते हैं और पेट्रोल गाड़ी की जैसे चलाते हैं, हाँ
उनका कभी भी ध्यान नहीं आता है। राइट वो तो है। बट पवन जी इसी के साथ मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि कंपनीज तो इसको एडवर्टाइज करते टाइम ऐसे बोलती कि ये स्पोर्ट गाड़ी जैसे एडवर्टाइज करती कि 0 to 40 चला जाएगा 3 सेकंड में, तो मुझे आपको क्या लगता है कि वैसे नजरिए से हमने देखना चाहिए या फिर डेली कम्यूट के लिए देखना चाहिए कि हमें ए से बी तक जाने के लिए ही स्कूटर लेने चाहिए ईवी? देखिए सर, अगर कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए भी लेते हैं, हाँ कुछ लोग अपने पेट्रोल एक्सपेंसेस बचाने के लिए भी लेते हैं, राइट और कुछ ओल्ड एज लोग भी यूज करते हैं सर। मैंने सब चीज देखा है बैंगलोर में, तो सब लोग यूज करते हैं, राइट लेडीज भी यूज करती है, ओल्ड यूज करते हैं। ओल्ड एज क्या है, घर के जो सामान है वो लाने के लिए कम्यूट करते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा है। लेडीज लोग भी यूज करती हैं, मतलब कहीं छोटा मोटा अपने रिलेटिव यहाँ के जाने के लिए भी यूज करती हैं, और ऑफिस के लोग भी यूज करते हैं। प्लस पर जो मैंने जोमाटो स्विगी वाले जैसे बंदे हैं वो बहुत अच्छा यूज करते हैं, मतलब रियल फैक्टर देखे ना तो उनकी जो कॉस्ट सेविंग है ना वो अल्टीमेटम है। प्लस अल्टीमेट है। उनका अगर वो लोग सब्सक्रिप्शन के साथ हैं ले रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। कभी भी गाड़ी लीजिए सब्सक्रिप्शन के साथ लीजिए, पीस ऑफ माइंड विदाउट एनी हेडेक। राइट मोस्टली क्या होता है, हम लोग को लगता है कि यार 7,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज इट्स प्रीटी कॉस्टली, 8,000 का सब्सक्रिप्शन चार्ज प्रीटी कॉस्टली। सर एक छोटा मोटा भी पार्ट डलेगा ना एप्पल के जैसे, तो राइट पता नहीं चलेगा कि 4,000 5,000 रुपये। मतलब मैंने मेरा एक ग्लास टूट, अभी मैं बताता हूँ, 2 वीक या 3 वीक की पहले की बात है, एक स्विगी वाला बंदा मेरी गाड़ी के अंदर ठोक दिया, अच्छा डिवाइडर से जाके टकरा गई पीछे से। मतलब हम लोग साइड में जा रहे थे, पीछे से मेरा बंदा, मेरा लड़का ही चलाता जनरली, उसको ठोक दिया पीछे से आगे। अभी अच्छा उसका साइड का जो विंग है एक वो टूट गया, और उसका एक ग्लास साइड टूट गया, थोड़ा बहुत स्केचेस आ गए, अराउंड 6-7 हज़ार का खर्चा ओवरऑल से। पर राइट गाड़ी चल रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब उसकी जो बॉडी है अंदर से एल्युमिनियम फ्रेम बहुत अच्छी है, बाहर के जो फाइबर की बॉडी है वो इतनी ठीक है, दिखाने के लिए अच्छी है, पर इट्स नॉट सो मच गुड। एक होता है ना कि एकदम अल्टीमेटम है, कुछ भी ठोक लो, पर अंदर जो मेटल डाला हुआ है हमारा, मेरे ख्याल से मेरा वाला सब फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से अच्छा वाला मटेरियल डाला हुआ है। अच्छा अभी जैसे जैसे उनको रेंज बढ़ा रहे हैं वो मटेरियल की क्वालिटी डाउन हो रही है, ध्यान रखना। जो अंदर जो एल्युमिनियम जो फ्रेम, जो आप कभी भी शोरूम पे जाएंगे तो उनकी एक बॉडी दिखाएंगे वो लोग आपको, फ्रेम पे लगाई हुई होगी शोरूम पे, वो जी फ्रेम मतलब उन्होंने लगभग 3/4 कर दिया या हाफ कर दिया, ये समझ लीजिए। मेरी अच्छा वाली जो बॉडी है वो बहुत मतलब बहुत मोटी है, मतलब अगर आप अच्छी खासी कोई गाड़ी के साथ भी ठुक जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं होगा। ओके ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है ना कि गाड़ी मतलब भीड़ी नहीं हो जाए, मतलब इकट्ठी नहीं हो जाए राइट राइट जोर से, राइट वो नहीं होगी। ओके ठीक है। तो यही थे पवन जी हमारे क्वेश्चन सारे, तो थैंक यू आप हमसे जुड़ गए और इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर दिया। मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी आ चुकी होगी, बिकॉज सबसे बड़ा डर है कि ईवीज खरीद तो लेंगे लेकिन 3 4 साल बाद उनका क्या होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपने सारी वो चीजें सर क्लैरिफाई अगर कर आप दी। 3 से 4 साल में अगर पैसा नहीं निकाल सकते हो, मतलब अगर 30 to 40,000 किलोमीटर नहीं चलाओगे, जी मेरा जी पर्सनली रिकमेंडेशन है आप लीजिए ही मत। राइट अगर कोई राइट 3 साल में 8-10 हज़ार किलोमीटर चला रहा है और वो सोचा है मैंने ईवी चला के बहुत पैसा बचा लिया है, तो वो अपने आप को झूठ बोल रहा जी है। आई जी एम जी फ्रेंकली टेलिंग, राइट राइट कोई ये 6-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर चला रहा है, भाई बहुत नहीं चला है भाई। अगर आप ईवी ले रहे हो, अगर आपका 4 साल बाद में या 5 साल बाद में अगर बैटरी का काम आ गया, तो 70,000 की बैटरी है तो आप राइट क्या उसको उठा के फेंक दोगे? तो मतलब आपने जो 1.5 लाख रुपए डाले हैं इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। राइट राइट वही है। तो यही है, यही सब अब हम लोग लेके जाते आगे। तो यही था पवन जी, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग थैंक विद अस।